स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल केशव जोन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार अमीन 1767 पोस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे LPA 39/2022 के बारे में बात करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे खुशखबरी वाली बात है। तो क्या खुशखबरी आप लोगों को मिलने वाली है, इसके बारे में आपको पूरी अपडेट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चांसेस जो है अब बढ़ गई, अब लग रही है कि हम लोगों के जो है कुछ होने वाला है, कुछ जो है यहाँ पे सुनवाई हो सकती है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप लोग LPA 39/2022 है और यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक, सारा अपडेट यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो है जस्टिस है अभी मिस्टर जस्टिस जो है आशुतोष कुमार जी हैं। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं करेंट पोजिशन में इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था, ठीक ना। एक्शन डेट जो था इसका 14 अक्टूबर था, जिसको आगे करके जो है यहाँ पर 17 अक्टूबर किया गया। 17 अक्टूबर करने के बाद क्या किया गया है, यहाँ पर देख सकते केस का जो का सीरियल नंबर होता है ना, केस का लिस्ट का सीरियल नंबर यहाँ पे 400 कर रहा है, 400 कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का 99% चांस है कि कल जो है इसकी सुनवाई हो जाएगी। 17 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होने की चांस है 99%। 1% फिर भी मैं रख रहा हूँ नहीं भी होगी, क्योंकि होता क्या है कि 100% कोई नहीं बोल सकता, ठीक ना। तो यहाँ पर क्योंकि शो हो रहा है लिस्ट का सीरियल नंबर 4, ठीक ना। अगर कल सुनवाई हो गई तब तो यहाँ पर उम्मीद बढ़ जाती है हम लोगों की, ठीक ना, क्योंकि 4 है। अगर कल सुनवाई नहीं होती तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कल सुनवाई ना हो, कल सुनवाई हो जाए ऊपर वाला कृपा से तो बहुत ही अच्छी बात है कि कल आप लोगों की सुनवाई हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग नीचे की ओर आए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया जो भी अपडेट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया कि जस्टिस आशुतोष कुमार जी जो है 4 ऑर्डर किए हैं ऑन ऑफिस नोट्स 14 अक्टूबर 2022 था, जिसको कैरी फॉरवर्ड करके 17 अक्टूबर किया गया था। मैं इसलिए बता रहा था कि ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ही कर रहा था, उसके बाद एडजॉर्ड किया था, पास ओवर किया था, यहाँ शुरू से कैरी फॉरवर्ड नहीं जा रहा था, ठीक ना। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि केस का लिस्ट का सीरियल नंबर आपका 400 कर रहा है। 400 करने का मतलब है कि 99% चांसेस है कि आप लोगों का कल जो है ये सुनवाई हो जाएगी, ठीक ना। तो कल देखिए क्या होती है, सुनवाई अगर हो जाती है बहुत ही गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि उम्मीद रखिए कि 99% चांसेस है सुनवाई हो जाएगी, ठीक। तो आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।